को बताने वाले हैं। जो भी छात्र बी में हो सेकेंड ईयर में है, जो बीए सेकेंड ईयर में है, उनके लिए हम लेके आए पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर मैंने पहले से अपलोड कर रखा है और मैंने 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप यूपी के, बिहार के, एमपी के या फिर आप यूके के किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं आपसे वादा कर सकता हूँ इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लेके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वही पेपर में आए थे। फर्स्ट पेपर यदि आप देखो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसके सारे के सारे क्वेश्चन वही फंसे थे और 87% प्लस फंसा था, और मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखाया था। वही बात करने वाला हूं मैं सेकंड पेपर की। आज इस वीडियो में सेकंड पेपर की बात करेंगे। और भी आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ठीक है, या फिर जियोग्राफी की, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं हिंदी की, इंग्लिश की, तो हमने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आप एमसीक्यू क्वेश्चनों को डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप टिक लगा लीजिए अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर जिससे आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही पेपर में आएंगे, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, उनकी परंपराओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान था उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद में है ताज, यहां कह रहा है ताज का अर्थ क्या होता है, इसकी स्थिति और शक्तियों के बारे में बताइए। ताज किसे कहते हैं और उसकी स्थिति कैसी होती है, शक्तियां क्या होती हैं, आप ये को याद करेंगे। और लोक सदन, देखो जिसे हम कॉमिशन सभा भी बोलते हैं, कॉमिशन सभा को लोक सदन भी बोला जाता है, इसकी संरचना और इसकी शक्तियों के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है, ये आपको स्पष्ट करना है कि ब्रिटिश है वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की रूप भवन की क्या है, या रूपी भवन की आधारशिला है, ये आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के शक्तियां कौन कौन सी हैं, संविधान की क्या क्या शक्तियां हैं और ब्रिटिश के लक्षण क्या क्या है, उनके एक विशिष्ट लक्षण बताना है कि अमेरिका के संविधान है उसके विशिष्ट लक्षण क्या है या उनकी शक्तियां क्या है संविधान की। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति और उनकी शक्ति, मान लीजिए हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं अमेरिका में तो उस चुनाव पद्धति में क्या क्या भूमिका निभाई जाती है और उसके विशेष उनकी शक्तियां क्या क्या हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं, यहां बोला गया है कि हम देखो ये कह सकते हैं अमेरिकी संसद, ठीक है, सकते हैं कांग्रेस का जो संगठन है बताइए, आपको संगठन बताना है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का संगठन आपको बताना है कि अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है, आप ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्वेज संविधान की विशेषताओं के बारे में, देखो जो स्वेज संविधान है या फिर संघीय न्यायालय कह सकते हैं उनका संगठन, उनके कार्यों के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, स्वेज संविधान के विधान मंडल के गठन और उनकी शक्तियों के बारे में याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, जिसे कहते हैं स्विट्जरलैंड जो होता है, स्विट्जरलैंड है उसके लोकतंत्र का घर नहीं है, समीक्षा कहिए कि जो स्विट्जरलैंड है वो लोकतंत्र का घर नहीं है, ये आपको स्पष्ट करना है, मतलब कि समीक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पांचवें गणतंत्र की संविधान की विशेषता है, मतलब कि फ्रांस के जो पांचवें गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस संविधान में उसकी विशेषता क्या प्रकट की गई है वो हम देखेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य शक्तियों के बारे में देखेंगे कि फ्रांस में जो फ्रांस के राष्ट्रपति के उनके निर्वाचन शक्तियां कौन कौन सी थी वो आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन कानून क्या होता है, प्रशासन कानून और फ्रांस के राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये आपको स्पष्ट करना है कि ब्रिटिश तो संविधान है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको स्पष्ट करना है। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लगाएंगे बेटा, वो है अभी समय क्या होता है, अभी समय क्या है ब्रिटिश, और आपको देखेंगे ब्रिटिश संसदीय जो कह सकते हैं संप्रभुता होती है उसके ऊपर आप टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि के शासन का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करिए। और कह सकते हैं ब्रिटेन में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, ब्रिटेन में राजनीतिक दल कौन कौन से हैं उसको देख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के जो निरपेक्ष कह सकते हैं निरपेक्ष जो कह सकते हैं निरपेक्ष अधिकार है उनके बारे में आपको देखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति उनकी वास्तविक स्थिति के बारे में देखना है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति है उनकी शक्ति कौन सी है, वास्तविक स्थिति क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, प्रतिनिधि
जो सभा होती है उसके प्रमुख शक्तियों के बारे में आपको बताना है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के बारे में आपको देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रणाली, देखो अमेरिका का जो संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया कैसी है ये आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ प्रत्यक्ष कह सकते हैं प्रत्यक्ष जो प्रजातंत्र होता है उसकी गणना के बारे में, और राष्ट्रसभा संसद के कार्य क्या होते हैं। ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 90% प्लस आएगा, 85% की बात मत करो। आप टॉप करना है तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप रट लेना, और बाकी आपको जो इच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। टॉप करने के लिए इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, यदि आप टॉप करना चाहते हैं 2022 के एग्जाम में तो आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय दोस्तों।